2019 मैन्युफैक्चरिंग है, रजिस्टर्ड 20 अप्रैल मंथ में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे हमारे साथ कोई भी आप डील करते हैं तो आपको 1 ईयर की वारंटी विद 1 ईयर रोड साइड असिस्टेंस। सपोज आपकी गाड़ी को कुछ भी ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में जो होता है इसका वैलिड रहे, कुछ भी होता है तो आप सीधा एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, आपको वहीं के वहीं गाड़ी रिसॉल्व करेंगे। और जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं नंबर प्लेट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया वही अनरजिस्टर्ड कार जो आई थी मेरे पास। हेलो एवरीवन, दिस इज समर खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इसके ब्लॉग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि हम दिल्ली के तमाम डीलर्स एक्सप्लोर करते रहते हैं अपने चैनल पे, तो उसी कड़ी में आज हम आए हैं प्रशांत विहार पे, गुरु कृपा मोटर्स पे, और जो आज सारी गाड़ियों की डिटेल देंगे हमारे साथ में पाजी। पाजी क्या हाल चाल? सत्यकाल, नमस्ते व्यूअर्स जी। तो पाजी सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना नाम और यहाँ का एड्रेस बता दें। सर मेरा नाम इश्मीत है, गुरु कृपा मोटर्स हमारी यहाँ पे दुकान है जी, और यहाँ पे हम सर्टिफाइड गाड़ियों में डील करते हैं। ये हमारा जो एड्रेस है प्रशांत विहार PVR सिनेमाज के अपोजिट ही आपको गुरु कृपा मोटर्स दिखेगा। अच्छा। प्रशांत विहार डी ब्लॉक की मार्केट में, डी ब्लॉक की मार्केट में PVR सिनेमा जो यहाँ पे अपोजिट पड़ने वाला जी, है जी। अगर हम बात करें पाजी अपना स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से हो जाती है? स्टार्टिंग प्राइस सर मेरे से, क्योंकि हम सर्टिफाइड गाड़ियों में डील करते हैं, कम से कम 2.5-2.5 लाख रुपए से आपको मेरे पास स्टार्टिंग मिलेगी। 2.5-2.5 लाख के आसपास से स्टार्टिंग हो जाएगी। जी, बिल्कुल। फाइनेंस की क्या फैसिलिटीज मिलती हैं यहाँ पर? फाइनेंस में सर मैं आपको दिल्ली NCR में फाइनेंस भी करा दूंगा। आप हमारे यहाँ से सारे जो भी बैंक हैं लाइक HDFC, महिंद्रा सारे बैंक से मैं आपका फाइनेंस करा दूंगा। तो दिल्ली के लिए होगा लोन की पैन इंडिया? दिल्ली NCR के लिए तो मैं करवा ही दूंगा, बाहर से अगर आप चाहेंगे लोन कराना तो सेम ब्रांच आपके शहर में भी होनी चाहिए तो आपका फाइनेंस करा देंगे हम। अच्छा, सेम लाइक HDFC की ब्रांच है वो आपके UP में कहीं पे पड़ती है तो मैं वहीं से वहीं आपका करवा दूंगा। करवा देंगे, हो जाएगा फाइनेंस वहाँ का जी। तो हम सारा आज स्टॉक जो देखने वाले हैं वो लाइन से आप देख सकते हैं, लगभग मिक्स सेगमेंट कह सकते हैं इसे। आपको कुछ टाटा की मिलेगी, कुछ आपको XUV मिलेगी, फॉर्च्यूनर सब मिलेगी। तो पाजी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट गाड़ी की डिटेल कौन सी होगी? सर मारुति की इको जी, इको जिसे कहते हैं मारुति की इको कंपनी ग्रीन, मारुति की है, 2018 मॉडल है जी, कंपनी फिटेड फैक्ट्री फिटेड CNG है इसके अंदर, कंपनी ग्रीन CNG जी बिल्कुल। 29,000 ड्रिवन है, दिल्ली नंबर है, फर्स्ट ऑनर है, 29,000 किलोमीटर चली है, यहाँ मीटर टेम्पर्ड वगैरह का तो कुछ नहीं सर? इस चीज़ की पूरी यहाँ पे श्योरिटी गारंटी होगी, ना ही हमारे यहाँ कोई मीटर ऑडोमीटर टेम्पर्ड होगा, ना ही कोई गाड़ी एक्सीडेंटल होगी, नॉन एक्सीडेंटल होगी। स्टैंडर्ड आपको 1 ईयर की वारंटी भी देंगे हम। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कोई भी आप डील करते हैं तो आपको 1 ईयर की वारंटी विद 1 ईयर रोड साइड असिस्टेंस। सपोज आपकी गाड़ी को कुछ भी ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में जो होता है इसका वैलिड रहेगा, कुछ भी होता है तो आप सीधा एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, आपको वहीं के वहीं गाड़ी रिसॉल्व करेंगे, वहीं के वहीं आ जाएगी जी बिल्कुल जी। तो 29,000 फर्स्ट ऑनर दिल्ली नंबर, और अगर दिल्ली के बाहर कोई हमारा व्यूअर्स लेता है तो मैं NOC प्रोवाइड करवा के दे दूंगा, कहीं की भी आप चाहेंगे, कहीं के भी जी बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जी बिल्कुल जी। क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं गाड़ी में? सर इसमें कंपनी फिटेड CNG है और इको तो सबको जैसे पता ही है, इसके अंदर बेसिकली AC मिल जाएगा आपको, AC हीटर रहेगा, 5-सीटर हो गई, कंपनी फिटेड CNG पे इसकी एवरेज वगैरह भी बहुत बढ़िया रहेगी, देती होगी फिर सर। अगर CNG पे आप इसको देखेंगे तो 30-32 की एवरेज देगी, 30-32 पर लीटर जिसे आप CNG कहते हैं जी। डेंट पेंट की कंडीशन कुछ? सारी गाड़ी ओरिजिनल है, छोटा मोटा जैसे स्क्रैचेस वगैरह होते हैं वो हमें करवाने पड़ते हैं, स्क्रैची पैनल जो है वो पेंट कराना ही पड़ता है। अच्छा, छोटा मोटा होगा, बाकी सारी ऑलमोस्ट ओरिजिनल होगी, ऑलमोस्ट ओरिजिनल। आस्किंग प्राइस क्या रखा है? 370, 3,70,000 जी। प्राइस नेगोशिएबल है? ऑन टेबल, छोटा मोटा रिगार्ड बिल्कुल करेंगे, आपके थ्रू कोई आएगा तो कर लेंगे जी बिल्कुल जी। तो बढ़ते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट गाड़ी, i10 है, 2014 मॉडल है, मैग्ना वेरियंट है। अच्छा, गुड़गांव नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ऑनर है गाड़ी की। सर आप इसमें देखेंगे, इसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, पावर स्टेयरिंग मिल जाएगा, हीटर मिल जाएगा। जो इसमें आप टायर्स भी देखेंगे तो इसके फ्रंट 2 टायर्स जो है वो हमने नए डलवाए हैं बिल्कुल। इसमें अलॉयस आ जाते हैं? नॉर्मल रहता है, नॉर्मल। ये 280 की रेंज में आस्किंग है हमारा, 2,80,000 जी। पेट्रोल पे आती है ना? पेट्रोल में, प्योर पेट्रोल, 45,000 ड्रिवन है, जो कि वो भी सर्विस रिकॉर्ड के साथ है। अच्छा, एज सच मैंने आपको बताया जो भी गाड़ियाँ होंगी हमारे यहाँ पे सब सर्विस रिकॉर्ड के साथ ही होंगी सारी जी बिल्कुल। तो 2,80,000 रुपए आस्किंग प्राइस, आप आएंगे जो बेस्ट होगा ऑन टेबल बैठ के जरूर मान सम्मान करेंगे, कर लेंगे जी। तो सर बढ़ते हैं यहाँ पे एक और नेक्स्ट टाटा की। सर मेरे पास टियागो है ये जी। ये गाड़ी 0 माइलेज है, मार्च अप्रैल में रजिस्टर्ड कराई है BS4 व्हीकल से। टाटा की जो गाड़ियाँ है मेरे पास 72 कार्स का लॉट आया था अनरजिस्टर्ड जी, जिसमें से अब 2-3 गाड़ियां ही बची हैं। अच्छा, और वो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं दिल्ली नंबर में, फर्स्ट ऑनर,
फर्स्ट है, ये सारी जीरो माइलेज अनयूज्ड कार है, मतलब अनयूज्ड एकदम नई नई न्यू कार, न्यू कार ऑनर फर्स्ट हो चुकी है, ओनर है फर्स्ट, 3 साल का इंश्योरेंस जैसे न्यू कार पे आता है, वारंटी हर चीज मिलेगी आपको, हर चीज मिलेगी, एकदम नई गाड़ी, नई गाड़ी अनयूज्ड गाड़ी है। अब मेरे पास डीजल में XZ वेरिएंट जो है इसका, ये अवेलेबल है XZ जो, अभी कितनी गाड़ियां होंगी अभी फिलहाल मेरे पास? ये 2 गाड़ियां बची हैं, 2 बची हैं बस जी, दिल्ली नंबर, दोनों दिल्ली नंबर, 2 टियागो बची हैं, 2 ज़ेस्ट बची हैं, दोनों अनरजिस्टर्ड थी या फर्स्ट ओनर हो चुकी हैं? आप फर्स्ट ओनर सारी हो चुकी हैं। BS4 का जो डेट थी लास्ट, वो 30 अप्रैल लास्ट डेट थी। XZ है, इसके अंदर आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे, पावर स्टीयरिंग वगैरह सारी चीजें रहती हैं, हरमन गार्डन का सिस्टम लगा हुआ है, सारी चीजें जैसे आती है XZ के अंदर सारी चीजें अवेलेबल होंगी। जीरो माइलेज चली हुई है, जीरो माइलेज आती पेट्रोल पे, ये मेरे पास डीजल में अवेलेबल है, आती पेट्रोल में भी है। अच्छा, ये डीजल, तो इसका आस्किंग प्राइस क्या रखा है? सर इसमें आस्किंग वाला चक्कर नहीं है, इस पे हम सीधा सीधा बता रहे हैं, जो गाड़ी 7.5 की शोरूम से आती है जी, वो मैं आपको 5.60 की, 5,60,000। हाँ जी, 2019 मैन्युफैक्चरिंग है, रजिस्टर्ड 20 अप्रैल मंथ में रजिस्टर्ड है, अप्रैल मंथ, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं सर यहाँ पे नेक्स्ट से, ये सर आप मारुति की रिट्ज देख रहे हैं जी, जो कि टॉप मॉडल है, ZXi 2012 मॉडल है, ZXi है। इसमें जो फीचर आपको मिलते हैं, कंपनी फिटेड अलॉय रिम मिल जाएंगे जी, ठीक है जी, कंपनी फिटेड सिस्टम मिल जाएगा, एयर बैग भी इसमें होगा। अच्छा। ठीक है जी, फॉग लैंप वगैरह सारी चीजें हैं इसमें, ZXi टॉप एंड मॉडल है, टॉप एंड, 45,000 ड्रिवन है, दिल्ली नंबर है, फर्स्ट ऑनर। ठीक है जी, चारों टायर भी जो है वो गाड़ी में हमने नए डलवाए हैं इसमें जी, बिल्कुल अनटच कार है ये। आपको सर जो मिलेगी 2,65,000 रुपए की मिलेगी, 2,65,000 जी, बिल्कुल सर। सीट कवर्स क्या चेंज हो रखे हैं, ये कलर? बिल्कुल बिल्कुल सर, चेंज चेंज हो रखे हैं। और कोई चीज, एक्सेसरीज, आफ्टर मार्केट? कुछ भी नहीं सर, जो कंपनी से आता है कंपनी जैसे ही है, वही है बस। सीट XI टॉप मॉडल में सारी चीजें फुली लोडेड होती हैं, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल। तो 2,65,000 रुपए प्राइस नेगोशिएबल है, छोटा मोटा रिगार्ड सर कोई भी आएगा बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं एक और सेम गाड़ी सर, टाटा की टियागो, जैसे मैंने आपको बताया जी, ये भी सेम ही है गाड़ी जी, इसके अंदर आपको डीजल के अंदर XZ है सेम, जो मैंने आपको बताया वही सेम फीचर, सेम क्वालिटी, सेम। अच्छा जी, इसका क्या प्राइस होगा? सेम सर, 5,60,000 रुपए, सेम सेम प्राइस, सेम गाड़ी जी, 5,60,000 जी, जी सर, बिल्कुल जी। तो बढ़ते हैं सर यहाँ पे नेक्स्ट गाड़ी पे, क्रेटा। यस सर, क्रेटा, हुंडई की क्रेटा जी, जो के SX 1.6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर टॉप एंड मॉडल है, टॉप एंड मॉडल जी, बिल्कुल सर जी। ये गाड़ी जो है सर, कट शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये गाड़ी हमने 10.5 लाख रुपए आस्किंग रखी, 10.5 लाख रुपए आस्किंग। मॉडल क्या बताया? 2016 मॉडल है, दिल्ली नंबर है, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर। ड्रिवन क्या हुई है गाड़ी? 43,000 ड्रिवन है, 43 जी, बिल्कुल, विद सर्विस रिकॉर्ड, विद सर्विस रिकॉर्ड। और टचिंग वगैरह कुछ? डेंट पेंट सर हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया स्क्रैची पैनल होते हैं, छोटा मोटा कराना पड़ता है, लाइक बम्पर वगैरह पेंट मिलेंगे, बाकी सारी गाड़ी ओरिजिनल रहेगी। सर बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, फॉर्च्यूनर। सर टोयोटा की फॉर्च्यूनर है, जो कि आप देख रहे हैं 2013 मॉडल है, दिल्ली नंबर है, फर्स्ट ओनर है, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा, ऑटोमेटिक जी। अच्छा। और गाड़ी जो है ये 79,000 ड्रिवन है, विद सर्विस रिकॉर्ड है, विद सर्विस रिकॉर्ड जी। कोई चीज चेंज हुई है? कुछ भी नहीं सर, ये सारी गाड़ी ओरिजिनल है, आप एक बार आप देखना भी चाहेंगे तो ये गाड़ी का बम्पर वगैरह जी, और जो प्लास्टिक पार्ट रहता है जी, ये प्लास्टिक पार्ट जो है स्कार्टिंग वगैरह, ये पेंट है, बाकी सारी गाड़ी ओरिजिनल, बाकी सारी सारी गाड़ी ओरिजिनल, कोई एक्सेसरीज नहीं लगी बाहर से? कुछ भी नहीं सर, सब कुछ कंपनी फिट, सब कुछ, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है? कुछ भी नहीं सर, सर्टिफाइड डीलर पे आए हो आप, सर्टिफाइड कार देंगे आपको, पैन इंडिया में वारंटी भी देंगे, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से पैन इंडिया वारंटी, पैन इंडिया वारंटी है, आप चाहे जम्मू बैठे हो, चाहे कश्मीर बैठे हो, दिल्ली बैठे हो, यूपी बैठे हो, हरियाणा, कहीं भी हो आप, वारंटी आपकी वहीं वैलिड है 1 ईयर की जी, और उसको भी आप एक्सटेंड करवा सकते हो। अच्छा। 1 ईयर की तो मैं आपको दूंगा एक्सटेंडेड जी, उसके बाद आप एक बार गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाओ, अगली बार फिर आपको 1 ईयर की मिल जाएगी, फिर 1 ईयर की मिल जाएगी, ऐसे ही आप अगले जब तक आपकी RC है, रजिस्ट्रेशन बची है, तब तक आप करवा सकते हो, करवाते रहो उसे, करवाते रहो, बढ़िया है। जो कि प्राइस की भी अगर हम बात करते हैं तो ये गाड़ी सर आपको 13,25,000 रुपए की मिलती है, 13,25,000 रुपए की जी। नई कितने की आती है? नई गाड़ी तो सर 22-23 लाख रुपए की आती थी, 22-23 लाख जी। अब इसमें शेप भी चेंज हो चुकी है, अब ये ओल्ड शेप के अंदर है, ओल्ड शेप के अंदर जी। इसमें भी प्राइस नेगोशिएबल होगा ना? ऑन टेबल सर, आपका कोई भी गाड़ी होगी, मैं छोटा मोटा रिगार्ड बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ते हैं सर यहाँ पे नेक्स्ट, XUV विद सनरूफ टॉप मॉडल, टॉप 10 W10 सनरूफ के अंदर आती है, 2015 मॉडल है, नवंबर की एंड की, गुड़गांव नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ऑनर है जी, जेन्युइन 43,000 चली हुई है जी। गाड़ी पे कोई भी पार्ट आप जिसे कहते हैं पेंट का, एक भी पार्ट पेंट नहीं है, सिर्फ अगला फ्रंट बम्पर जो है वो माइनर स्क्रैचेस से जो कि हमने पेंट कराया, सारी गाड़ी ओरिजिनल है, सारी गाड़ी ओरिजिनल जी। गाड़ी की सर जो इसकी आस्किंग प्राइस है जी, वो हमारा 10.5 लाख रुपए है, 10.5 लाख जी।
इसमें कीलेस एंट्री है सर जी, पुश बटन स्टार्ट है, सारी चीजें फोल्डेबल मीटर, सारी चीजें हैं जो टॉप मॉडल में होती है जी सर जी। कोई चीज चेंज वगैरह तो नहीं ना? कुछ भी नहीं सर, सारी गाड़ी ओरिजिनल है, सारी गाड़ी ओरिजिनल। हमारा सर यहाँ पे यही मकसद रहता है कि गाड़ी कस्टमर्स को ओरिजिनलिटी बिल्कुल मेंटेन रखें। पिछला 9 साल पुराना हमारा यहीं पे आउटलेट है जी। जो भी गाड़ी देते हैं हम सर्टिफाइड गाड़ियां दे रहे हैं, विद वारंटी दे रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी गाड़ी हमारी जो भी होंगी ना ओरिजिनल ही मिलेगी, ओरिजिनल होगी। तो 10.5 लाख रुपए इसका आस्किंग प्राइस होने। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कार पे। तो सर ये नेक्स्ट चेरी कलर में कौन सी है? ये होंडा सिटी है सर, गुड़गांव नंबर रजिस्टर्ड है, और गाड़ी जो है ये SVMT 2017 मॉडल, और गाड़ी ये सर चली हुई है 43,000 विद सर्विस रिकॉर्ड। विद सर्विस रिकॉर्ड, हाँ जी। ये क्या वेरिएंट कौन सा मिडल आता है? टॉप SVMT है सर, मिडल से मिडल वेरिएंट जो है आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं गाड़ी में? इसमें सर फोल्डेबल मिरर आ गया और सारी चीजें जैसे रहती है, एयर बैग वगैरह, फुली लोडेड कार है। फुली लोडेड कार जी जी। ड्रिवन क्या बताइए? 43,000 ड्रिवन है विद सर्विस रिकॉर्ड। विद सर्विस रिकॉर्ड। ऑनर फर्स्ट होगी? ऑनर सेकंड होगी सर। ऑनर सेकंड, ऑन बुक सेकंड ऑनर है। अच्छा, ये सिंगल हैंडेड कार। अच्छा, मेरे पास जितनी भी गाड़ियां मिलेंगी आपको फर्स्ट ओनर ही मिलेंगी ऑलमोस्ट जी। कोई कोई गाड़ी होती है जो हमें परचेज करनी पड़ती है कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन के चक्कर में जी। तो अब ये किसी कंपनी में ही आपस में रजिस्ट्रेशन हुई है। अच्छा, इस चक्कर में हमारी ये जो गाड़ी है ऑन बुक सेकंड ओनर है ये सिंगल हैंडेड कार है। सिंगल हैंडेड जी, कार जी। क्या आस्किंग प्राइस रखा है इसकी सर? जो आस्किंग प्राइस है वो है 7,25,000। 7,25,000 न्यू कितने की आती है? नई गाड़ी तो सर 13.5 लाख रुपए प्लस की है। 13.5 प्लस की जी। यहाँ मिलेगी 7,25,000 रुपए। इसमें भी छोटा मोटा जो भी होगा सर बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं यहाँ पे Volkswagen। ये फिलहाल Volkswagen, ये भी जो आप देख रहे हैं दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ऑनर है जी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर कम्फर्ट लाइन, इसमें अलॉय वगैरह जो आप देख रहे हैं सब आउटफिटेड है, बट जो भी है न्यू वर्जन के हिसाब से लगा रखे हैं। अंदर मतलब आफ्टर अंदर इंटीरियर का काम हो रखा है गाड़ी के अंदर, पायनियर का साउंड सिस्टम लगा हुआ है, फुली लोडेड कार है। मतलब आफ्टर मार्केट भी एक्सेसरीज लगा रखी है, डोर वाइजर और अलॉयज वगैरह सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ड्रिवन क्या हुई सर? ड्रिवन जो है ये 58,000 ड्रिवन है। 58 जी। हैंड सिंगल होगी और फर्स्ट ऑनर है जैसे कि मैंने आपको बताया जी। क्या आस्किंग प्राइस रखा है इसका सर? जो हमने आस्किंग प्राइस रखा हुआ है 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख 5,50,000 जी। तो बढ़ते हैं सर यहाँ पे नेक्स्ट। ये भी Volkswagen, Volkswagen की पोलो सर जो आप देख रहे हो, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ऑनर है गाड़ी की। Volkswagen पोलो हाईलाइन मॉडल है, हाईलाइन टॉप एंड मॉडल आता है जी। और टॉप एंड मॉडल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है ये जी। फर्स्ट ऑनर है जैसे कि मैंने आपको बताया। ये 4,60,000 रुपीज आस्किंग है। 4,60,000 हाँ जी। और इन गाड़ियों के अंदर सर जो आप देख रहे हैं Volkswagen की गाड़ियाँ, ये जर्मन टेक्नोलॉजी बेसिकली इसके अंदर यूज्ड हुई है जी। जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन फीचर्स आप गाड़ी के अंदर एक बार बैठ के ड्राइव लेंगे तो इसका अलग ही मजा है। अलग ही मजा है जी। तो ये जैसे टॉप मॉडल तो अलॉयज वगैरह तो कंपनी फिटेड है, सारी सब कुछ कंपनी फिटेड। जो भी इसमें गाड़ी आप देख रहे हैं जैसी गाड़ी शोरूम से आती है वैसा के वैसी पीस है। डीजल में, पेट्रोल में? इसकी एवरेज क्या मानेंगे हम? इसकी जो सिटी के अंदर एवरेज आती है 12-13 की सिटी पे रहेगी, 14-15 पे हाईवे पे एवरेज रहेगी। 12-13 सिटी रहेगी, बिल्कुल रहेगी जी। तो 4,60,000 रुपए आस्किंग प्राइस जी। जी सर, बेसिकली जो भी आप मेरे पास गाड़ियां देख रहे हैं 4,60,000 पे इसकी आस्किंग है। यहाँ पे हमारा पार्किंग इशू होने के कारण बहुत सी ऐसी गाड़ियां जो मैं अभी वीडियो में नहीं भी ले पा रहा जी। टाटा की जो दो जेस्ट मैंने आपको बताई, एक बेस मॉडल अवेलेबल है XE जो कि मैं 5,90 आस्किंग रखी हुई है, एक उससे ऊपर है वो 6,30 आस्किंग रखी हुई है, वो XM है। बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो मैं वीडियो में शूट नहीं कर पा रहा, बट मेरे पास और भी गाड़ियां अवेलेबल है, 20-25 गाड़ियों का स्टॉक और है जो पार्किंग के अंदर ही है। तो बढ़ते हैं सर नेक्स्ट गाड़ी पे। तो नेक्स्ट गाड़ी सर ये भी टियागो, और जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं नंबर प्लेट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया वही अनरजिस्टर्ड कार जो आई थी मेरे पास जी, बट इस गाड़ी का नंबर इशू हो चुका है, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ऑनर है ऑलरेडी लेकिन चली नहीं होगी। जीरो माइलेज है सर, चली कुछ भी नहीं है, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ऑनर है, XZA है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर है जी। जी नई गाड़ी जो शोरूम पे प्राइस आता था इसका 7,50,000 रुपए का आता था, जो हम ये दे रहे हैं 5,40 की, 5,40 आस्किंग है, छोटा मोटा रिगार्ड भी करेंगे, छोटा मोटा रिगार्ड कर लेंगे। और जैसे कि सर के पास काफी सारी गाड़ियां थी लेकिन अब कुछ ही गाड़ी बची हैं, जैसे कि ये टाटा जेस्ट बची हैं, दो गाड़ियां, तीन गाड़ी टियागो बची हैं, यही गाड़ी अवेलेबल, बस 5 गाड़ी बची हैं। बिल्कुल। और चली वगैरह कुछ अनयूज्ड कार है, अनयूज्ड कार है, विद वारंटी है, सारी चीजें जो प्रोवाइड मैं जैसे करा के दूंगा वो नहीं के हिसाब से ही रहेगा, सारी नहीं के हिसाब से। 3 ईयर्स का इंश्योरेंस भी मिलेगा, स्टैंडर्ड सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें, और RS से भी मिलेगा 1 ईयर का जैसे कि मैंने आपको बताया महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जी। तो गाड़ियां तो काफी सारी हैं लेकिन ये कुछ गाड़ी ये जो नंबर प्लेट भी नहीं है ये भी गाड़ियां हैं यहाँ पे, 5 बची हैं और गाड़ी सारी हमने कवर करी। कुछ गाड़ियां भी और हैं जो पार्किंग में, वो इस वीडियो में तो कवर हो नहीं सकती, बिल्कुल क्योंकि लगभग वीडियो लंबी हो चुकी है जी। जी 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 जी। तो सर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके सर, ओके। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो एंड करते हैं। शॉप का एड्रेस और नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर।